भाई सुबह सुबह हो गया है कांड बहुत बड़ा वाला। अब क्या कांड हुआ है ना, अभी आपको बताते हैं। पहले गेट खोलते हैं। हम अभी जस्ट ट्रिप से पहुंचे, वो आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा। पहुंचते हैं लोकेशन पे क्योंकि मनी भाई प्रॉब्लम में है। क्या बाबा हाँ क्या क्या कर दिए, कहाँ पहाड़? अरे तुम तो पूरा रिम बेंड हो गया क्या? रिम बेंड हो गया मेरे साथ, तो नहीं तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए यार। रिम तो बेंड दिख नहीं रहा है कहीं पे। अलॉय भर करके कोशिश की तो हवा निकल रहा था। हवा निकल रहा है? हाँ। कहाँ से निकल रहा है कुछ पता चला यार? यहाँ पे लगा है बहुत तेज। हाँ। भाई बहुत जाम है। छोड़ो मनी, मनी मत करो मेहनत। सुबह सुबह ऑलरेडी 5 बज गए, आराम से चलते घर पे। ठीक है, सोएंगे, थोड़ा चाय फाय पियेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, सोएंगे। 10-11 बजे आराम से जब उठेंगे ना, पंचर वाले को लेके आएंगे, टायर यहीं का यहीं बदल देगा। घर के सामने ये पंचर वाली शॉप है, तब यहाँ से भैया को गाड़ी में बिठाएंगे और ले चलेंगे। बाबा जल के आमलेट बन जाओगे ना भाई। उल्टा खोल रहे थे हम लोग। उल्टा खोल रहे थे? हाँ, ले ओ साला बताओ, एक्सपीरियंस नाम पे जीरो है चक्का टाइम चेंज करने का। उल्टा खोल रहे थे, कहाँ से खुलता भाई, उसके ऊपर चढ़ जाओ तुम कुछ भी कर लो। अच्छा हम टाइट कर रहे थे क्या? हाँ। 13.3 का एवरेज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जो इंफोटेनमेंट में दिखाया है। मैंने मनी को कहा मेरे पैर में ना तेल पीने वाला पाइप लग गया है जैसे ही पंजा दबाता तेल चूसने लगता ना मेरा पैर मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहा था और ये देखो लैपटॉप के एक स्क्रीन पे पता नहीं क्या ही आ रहा है यार। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है नहीं पता। नया लैपटॉप है, ऑलमोस्ट 1 महीने भी नहीं हुए इसको लिए हुए और ये पूरा स्क्रीन अजीब सा ही दिख रहा है। हम पहुंचे थे स्कूप बेटा, नॉट इंटरेस्टेड। तो आज सुबह सुबह हम पहुंचे थे हिमाचल से, 12 घंटे की ड्राइव करके सुबह पहुंच गए थे 5 बजे। उसके बाद दिन में मैं थोड़ी देर मूवी देखा, मेरा लैपटॉप पता नहीं काम नहीं कर रहा है और मुझे मुंबई के लिए निकला था तो एप्पल वाला लैपटॉप में स्क्रीन में कुछ खराबी आ गई थी। फिलहाल मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मुंबई की फ्लाइट थी कल परसों सुबह मॉर्निंग की, क्योंकि परसों मेरा एक इवेंट है। अब कौन सा इवेंट है वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा, बट एक ऑफिशियल काइंड ऑफ ऑफिशियल ट्रिप है जहां पे मैं एक ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड इवेंट में जा रहा था और मेरी फ्लाइट की टिकट उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दी थी। बट क्योंकि आज मैं दिन में सोया था, क्या करूं, नींद नहीं आ रही। एडिटिंग कंप्लीट कर लिया, स्केड्यूल कर दिया, अभी निकल रहे अपन गाड़ी में सामान डाल के यहां से मुंबई। 2800 से 3000 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है मुंबई के लिए। एक शाम के लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल रात में बज रहे हैं 12:30। तो 12:30 रात में मैं किसी को फोन करके बता भी नहीं सकता। वैसे मैं उस ब्रांड को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरा अचानक से प्लान चेंज हो गया। मेरे प्लान ऐसे ही रैंडम बनते हैं, मतलब ये पागलपन है। मोटू बाय। तो जी फिलहाल टाइम हो रहा है रात के 1 बज रहे हैं। ये अपना बैग है मेन और अपना लैपटॉप बैग तो काम नहीं कर रहा है। ये अपन सूट चाहिए था अपने को, तो सूट ले लिया। अब गाड़ी से ना मैंने पानी वानी निकाला नहीं था तो अपना पानी भी ना इतना पानी हो जाएगा यार, क्योंकि 4-5 दिन का ही अपना ट्रिप रहने वाला है। और पीछे डाल लिया जी अपना एक स्लीपिंग, एक पिलो डाल लिया, एक नेक पिलो डाल लिया और एक अपना चादर डाल लिया। बाकी जूते वूते ऐसे ही पड़े रहते तो ये सारे काम ही आ जाएंगे। तो जी ये है स्टेटस, एवरेज हमने 0 कर दिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे उदयपुर के लिए। तो उदयपुर का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली रहेगा 650 किलोमीटर, यहाँ से दिखा रहा है 626 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 11 घंटे 10.5 घंटे दिखा रहा है, मतलब 11:22 तक हम उदयपुर पहुँचेंगे। ये अभी तक का प्लान है। प्लान में कभी भी ट्विस्ट आ सकता है, टर्न्स आ सकता है, क्योंकि अपना कोई भी प्लान ना कन्फर्म नहीं रहता है बॉस। तो गाड़ी निकालते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, बोलो श्री अम्बे मात की जय। चलो आता हूँ मैं। जय माता दी। जय माता दी। बहुत रैंडम बना प्लान, सॉरी। तो जी 3000 किलोमीटर का ट्रिप, रैंडम प्लान, देखते कैसा रहता है यार। मतलब ऐसे रैंडम प्लान ना आप ऐसे करते रहो ना तो लाइफ में किक बनी रहती है, और भाई अपने को तो किक इसी में मिलता है। तो अब दो चीजें, एक तो इसमें डीजल कराना है अपने को लबालब, और वो कराना है अपने को हरियाणा से, क्योंकि राजस्थान गुजरात हर जगह, मतलब जिस भी स्टेट्स को हम क्रॉस करेंगे ना वहां पे डीजल महंगा है। तो यहां से करा लेते जी लबालब और उसके बाद उठा लेते कॉफी, बस दैट्स इट। उसके बाद सीधे हाईवे पे यह कह रहा हूँ स्ट्रांग बनाना कॉफी, मुंबई निकलना है जल्दी करो, पनवेल निकलना है। भैया कह रहे हैं एकदम ऐसे ही स्ट्रांग दूंगा ना, यहाँ से सीधे पाकिस्तान पहुंचोगे आप। गोल्फ कोस्ट रोड को बाय कहते हैं। अब दूसरा स्टॉप अपना होगा फ्यूल के लिए,
और उसके बाद सीधे स्टॉप होगा मिडवे, मतलब जयपुर के रास्ते में। यही था जी पहला पेट्रोल पंप। यहाँ पे कार्ड भी चल जाएगा, गुड़गांव से बाहर नहीं निकले ना, तो हाईवे में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, नेटवर्क का दिक्कत हो जाता है, फिर वहां पे कार्ड मशीन नहीं रहता है तो यहाँ से करा लेते जी। लबालब कितना है? 95 रुपीज। अरे भाई साहब 95 रुपीज, कल 85 में भरवाए थे भाई, ऑलमोस्ट 10 रुपए लीटर का अंतर है। तो भैया को मैंने कहा ऊपर तक कर दो इसको जितना आ सके, बस गिरे नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई अब तो हर एक स्टेट में, राजस्थान में डीजल महंगा है, गुजरात में महंगा है, अपने को महाराष्ट्र में महंगा पड़ेगा, अगर वहाँ से आगे गोवा निकले तो गोवा में महंगा पड़ेगा, कर्नाटका निकले तो कर्नाटका महंगा पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे अभी नहीं पता। 32 लीटर आया, 3000 रुपये का डीजल आ गया। अब इस पूरे ट्रिप में ना मुंबई तक में मेरे को आने जाने में अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज के आसपास का खर्च आना चाहिए। राजस्थान में अब डीजल लिया जाएगा। ट्रिप से काफी सारी चीजें पता चल जाएगी। देखो 624 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है और अभी एवरेज तो 11.1, अभी तो ज्यादा चले नहीं ना अपन। ये आ गया जी मानेसर का टोल, अपना पहला टोल, और अब तो यहाँ से टोल का सिलसिला ना भाई नॉन स्टॉप चलने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा एनएच रहेगा। गज्जू भाई का फोन आया, कह रहे तुम मुंबई निकल गए, गजब प्लान बनता है भाई तुम्हारा, वो भी एक्चुअली ट्रिप पे निकले हुए ना, तो करनाल में कहीं पे रुके हुए थे। गांव से मुंबई सिर्फ एक ही हाईवे कनेक्ट करता है, मतलब NH 48, बेसिकली वही आगे बैंगलोर को भी कनेक्ट करता है, और ये हाईवे जयपुर तक इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड है भाई, मेरे इंटेंसिटी समझ रहे हो, वॉइस की इंटेंसिटी। तो अपना माइलेज अभी जो दे रहा है 13.5 का दे रहा है, ट्रिपल डिजिट स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, बहुत रैश नहीं चला रहा हूँ, तो 13.5 इज गुड इनफ यार, मतलब ये हो सकता है कि 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस के बाद थोड़ा बढ़ जाए, बट अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप नेशनल हाईवे पे ही स्टिक करो। अब अपना यहां से जो मुंबई का जो पूरा जर्नी रहेगा ना, उसमें दो जगह अपन नेशनल हाईवे को छोड़ के स्टेट हाईवे पे एंटर करेंगे, एक तो उदयपुर जाते वक्त जो अजमेर मेन NH 48 को छोड़ के अपन उदयपुर की तरफ अंदर मुड़ेंगे, और दूसरा एक उदयपुर से सूरत वाला जो रास्ता है, वडोदरा वाला जो रास्ता है स्टेट हाईवे 5 गुजरात का। पीछे लाइट लगाए हुए ना, और वो भी पावरफुल लाइट भाई, गजब भाई, मैं कह रहा हूँ पता नहीं ये लाइट क्यों आ रही है आंखों पे, सामने से इधर से आ रही ना, ऑपोजिट रोड से तो फिर भी समझ में आता है, भाई ने पीछे ही लाइट लगाया हुआ है भाई ट्रक के। ये सामने ना एक मन्नत दिख रहा है, तो मन्नत पे रुकते हुए, क्योंकि वहां पे क्लीन वॉशरूम मिल जाएगा, मेरे को सुसु करना है एक्चुअली। कितना? ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर नॉन स्टॉप हम चल के 2 घंटे 6 मिनट में कवर कर लिया है। यहाँ पे एक चाय बोली है और पूरा खाली पड़ा हुआ है यार, पूरा ही खाली पड़ा। आप देखो तो कहता था, तो सोचा पेटीएम में ना वॉलेट में पैसे लोड कर दूं, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो अपना इसी से होगा ना, जितना भी फास्टैग का ट्रांजैक्शन है सारा पेटीएम से ही होगा भाई। जहाँ भी रुको हल्का फुल्का शीशे में पानी डाल के हाथ से साफ कर लो, इससे विजिबिलिटी सही रहती है, तो वो कर लिया अपने। 10 मिनट अच्छा ब्रेक ले लिया हमने, अब वापस से स्टार्ट करें गाड़ी और बढ़ाएं मुंबई की तरफ। नहीं आज तो उदयपुर जा रहे हैं ना, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार। एक तो पीछे मैंने ना परफ्यूम वाला डब्बा रख दिया ना, खटर 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 बज ही जा रहा है, तो अभी जहाँ पे रुकेंगे ना पहले उसको वहाँ से हटाएंगे। आपको पीछे पता नहीं इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट बज रहा है भाई। जयपुर के पहले का जस्ट पहले का टोल है, तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा आगे डाइवर्जन लेना पड़ेगा, अजमेर बाईपास पे निकल जाएंगे, जयपुर सिटी एंटर नहीं करेंगे। इतने जोश में चला रहा था ना मैं, तो ये बाईपास मिस ही कर देता भाई, मैंने कहा ट्रक्स इधर क्यों मुड़ रहे हैं, ट्रक्स को तो सीधा जाना चाहिए, फिर ध्यान आया भैया यहाँ से मुड़ के आपको बाईपास लेना है। अब जो जिस चीज के लिए मुंबई जा रहे हैं वो है 5 तारीख को, तो जो बेसिकली अपना इवेंट है वो 5 तारीख को है, और आज है 4 तारीख 4 मार्च, और सुबह के बदले 4:04। वाह वाह, देखो कोइंसिडेंस देख रहे हो भाई, तो 5 तारीख का इवेंट है, तो मतलब अपने पास सिर्फ 24 घंटे हैं मुंबई पहुंचने के लिए। 24 घंटे बहुत है भाई, अगर उदयपुर पे 3-4 घंटे सो भी लेते हैं ना तो अपन आराम से ड्राइव कर लेंगे। उदयपुर से 750 किलोमीटर होगा। सामने वाला ट्रक साला पीछे ही आया जा रहा है यार, पीछे ही आया जा रहा है, मैं हॉर्न बजाया इतना तेज भाई। यहाँ पे एक स्ट्रेच ब्रेक लेते हैं, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कवर किया जहाँ पे लास्ट रुके थे चाय पीने के लिए, और 89 का एवरेज स्पीड आ रहा है, मतलब अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो जी अपन अजमेर पहुंच गए, और यहाँ पे एक डाइवर्जन दिखा था, डाइवर्जन बोले तो एक ऐसे टर्न दिखा रहा था, तो यहाँ पे GPS में चेक करने रुक गए थे, बिकॉज अपन नहीं चाहते कि 40-50 किलोमीटर आगे निकल जाए उसके बाद पता चले भैया आपका तो लंका लग गया।
सामने क्या मस्त नजारे ना, छोटे छोटे पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं और अभी तक सुबह हुई नहीं है यार। और पता है कितना टाइम हो रहा है, ये देखो 6 बज रहा है, 6 बजे तक ना अभी मतलब प्रॉपर सुबह हुई नहीं है, हेडलाइट अभी भी ऑन ही कर रखा है, सामने से भी जो गाड़ी आ रही है ना हेडलाइट ऑन करके ही आ रही है। और अब जो उदयपुर जब घर से निकले थे 12:30 बजे दिखा रहा था, अब दिखा रहा है 10:15, तो मतलब 10:15 अपन उदयपुर टच कर लेंगे। तो भाई प्लान में आ सकता है सडन ट्विस्ट, क्योंकि अगर अपन कंफर्टेबल रहे और उदयपुर तक नींद नहीं आई तो हो सकता है हम आगे भी चले जाए। तो अभी कुछ श्योर नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इस सुबह सुबह क्या मस्त मजा आ रहा है ना, फिलहाल टाइम हो रहा है 6:03 और देखो ये सामने ना सूरज इधर से निकलने वाला है, तो मैं सोचा थोड़ी देर रुक जा यार, एक नंगे पैर, एक्चुअली नंगे पैर चला रहा हूँ ना, इतनी तेज हवा आ रही है। अरे अरे रेस कर रहे हो भैया, रेस कर रहे हो, चलो आओ मेरे पास, हम भी करेंगे आपसे रेस। ये देखो 400 किलोमीटर कवर कर लिया हमने 4:38 में। अरे ये टायर डायरेक्शन आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 86-87 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आ रहा है, 86 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आ रहा है। अभी भी पूरी तरीके से ना सुबह हुई नहीं है, अब थोड़ा सा और सुबह हो जाए ना उसके बाद अपन कहीं पे रुकेंगे, शीशा वीशा साफ कर देंगे। बाकी अभी भी गाड़ियां हेडलाइट के भरोसे ही आ रही है और हमारा भी ऑटो हेडलैम्प ना ऑफ नहीं हुआ है जी। अहमदाबाद वाला रास्ता हमने छोड़ दिया, विच इज लाइक NH 48 को छोड़ दिया, अब उदयपुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उदयपुर जिस सुबह के बज रहे ऑलमोस्ट 7:30 और अब मेरे को हल्का फुल्का नींद आना स्टार्ट हुआ है, मतलब हल्की हल्की आंखें ना पलके भारी होनी स्टार्ट हुई हैं। और अभी भी जो उदयपुर का डिस्टेंस है 137 किलोमीटर बाकी है, तो 137 किलोमीटर मतलब खींचना है, किसी तरह कोशिश करना है। बाकी अगर ज़्यादा लगेगा तो गाड़ी साइड में ला के थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे, और आधे घंटे का रेस्ट तो फिर तो भैया गुजरात ही रुकेंगे फिर हम। इस रास्ते पे ना आपको कहीं भी अच्छे ढाबे या फ्रेश होने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो मतलब आपको ना ऐसे ही कहीं खोजना पड़ेगा भैया जंगल झाड़ी के पीछे जी। ये यहाँ पे एक ढाबा दिखा था, मैंने कहा थोड़ा सुसू कर लिया जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाया जाए, थोड़ा हल्का हो लिया जाए, और यहाँ पे चाय बोला है मैंने, तो चाय एंड पूरी भाजी। ये जी अपना ब्रेकफास्ट, पूरी भाजी एकदम मस्त। 5 के अंदर अपना होटल डिसाइड करके बुक भी कर लिया, गोल्डन ट्यूलिप करके कोई होटल है। अब आई होप के सिटी के ज़्यादा अंदर नहीं हो, अब उदयपुर का ज़्यादा शहर का मुझे नॉलेज है नहीं, लास्ट टाइम भी आया था तो 3-4 तो रुका था, बट वो शहर का ना नाम वाम से तो क्या ही पता चलता है। अब जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा भाई, बुक तो कर लिया, ठीक ठाक सा है, अच्छा सा अपना मस्त स्विमिंग पूल वगैरह एंजॉय करेंगे, यही देख के बुक किया है, आई होप कि स्विमिंग पूल खुला हो। 40 किलोमीटर बचे हैं और मेरी आंखें देखो, मेरे को गाड़ी साइड में लगा लो यार, एक स्पीड भी चल रहे ना, आंखें बंद हो रही है, अब जाके आंखें बंद हो रही है, प्रॉपर थक गया हूं ना। लास्ट के 40-50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ना, स्पेशली अगर आप पूरी रात जगे हुए ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक काम करता हूँ, आंखों पे पानी मारता हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धोता हूँ। उदयपुर तो अपन पहुंच गए, अब यहाँ से अपना होटल है 3.8 किलोमीटर मात्र, और अपन पहुंच जाएंगे 8 में। लेकिन उससे पहले अगर अपने को डीजल या मतलब फ्यूल स्टेशन दिखेगा तो डीजल लबालब करा लेंगे, इससे दो चीज़ें पता चल जाएंगी, एक कि हमारे गाड़ी ने माइलेज क्या दिया, टैंक टू टैंक वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, दूसरा कि अगर रात में 1-2 बजे 12 बजे 9 बजे 8 बजे कितने बजे भी निकलना हो, मतलब सो के उठ के जब फ्रेश फील होगा अपन मुंबई के लिए निकल सकते हैं, मतलब उस समय ये नहीं रहेगा भाई डीजल कहाँ लेंगे नहीं लेंगे, डीजल कम है तो डीजल रहेगा तो उड़ेगा थोड़ी ना। ये रहा जी अपना गोल्डन ट्यूलिप का बोर्ड, अपन को इसी में जाना है, आई थिंक यही एंट्री है, थोड़ी अजीब सी एंट्री है, अजीब सी पतली सी एंट्री। भाई यहाँ तो वैले नहीं है, हाँ वैले है लेकिन कोई वैले में नहीं है क्या, ले वो साला खुद से पार्क करना पड़ेगा क्या, अरे ऐसा मत करवाओ भैया बहुत थक गए हैं। भाई गाड़ी तो मैंने ऐसे पार्क कर दी है और अब होटल के अंदर चलते हैं, बस ये अपने से ही पार्क करना है भैया, सामान भी खुद से ही उतारना पड़ा इनकी पार्किंग एक्चुअली। अरे इधर से तो बंद है, इधर से ही घूम के जाना पड़ेगा लगता है, ये तो बंद किया हुआ है,
आई होप कि चेक इन दे दे टाइम से पहले, बस यही चाहिए मेरे को। अपना सामान तो उधर रखा हुआ है। मैम को मैंने बोला कि मैं थोड़ा गूगल को 2-3 घंटे से बीट कर दिया यार। गूगल ने मेरे को 12:30 बजे का टाइम दिया था, 9:30 बजे मैं पहुंच गया 650 किलोमीटर। तो सही था यार, 3 घंटे से बीट किया गूगल को, अच्छा स्पीड मेंटेन किया, 85 का एवरेज स्पीड आ रहा था अपना। तो अभी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, फिर ऊपर जाके रूम में लेट जाते हैं। ऐसा है जी कुछ अपना रूम। अब यहाँ पे साइड में रखो बैग और यहाँ पे रख दो चाबी। खाने का कुछ मन है नहीं, इस पे बैठना नहीं है, इस पे अभी सो जाना है। तो बस इतना ही काम है भाई। अब कितना टाइम हो रहा है, 10 बज गया ना। तो चलो गाइस, इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, रैंडम था, बहुत रैंडम। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थक गया हूँ तो अभी सोऊंगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। मुंबई।